Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस शेड्यूल्स के अनुसार मैं अपने क्लास में आपके सामने लेकर के आ गया हूं। और जो एमएस वर्ड 2007 के बारे में जो हमारे एलडीसी के लिए जो एग्जाम कर रहा है बोर्ड आरएसएम एसएसबी बोर्ड, उसने जो 2007 वर्जन में एमएस वर्ड का दिया है, तो उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर क्लास है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और केवल एलडीसी के लिए ही स्पेशल ये क्लास लगाई जा रही है दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको एफिशिएंसी टेस्ट में सहायता मिल सके। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि इससे सभी का फायदा हो जाए और सभी को ये जो वीडियो है वो समझने को मिल जाए। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एमएस वर्ड 2007 का ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर। अब कई बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर, आप क्वेश्चन वाइज जो अदर चैनल्स पे जैसे वीडियो चल रहे हैं एफिशिएंसी टेस्ट के, तो वो लगाइए, तो उससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लास में और उस क्लास में फर्क क्या रहेगा वो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बुक पढ़ के जाते हैं, अगर आपका एग्जाम है, या तो आप बुक पढ़ के जाए और एक आप टेस्ट सीरीज पढ़ के जाए, दोनों में बहुत फर्क होता है। टेस्ट सीरीज पढ़ने से जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज के अंदर सारे क्वेश्चन और सारा मैटर लिखा हुआ मिले आपको, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर लिखे हुए मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो छूट भी जाते हैं, लेकिन बुक के अंदर से जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो बुक के अंदर से आएगा। इसका मतलब मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमारा 5 से 7 दिन का ये कोर्स रहेगा और उसके बाद हम एमएस वर्ड 2007 की टेस्ट सीरीज भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये करना जरूरी है ताकि आपको हर चीज की जानकारी हो कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर मिलेगा मुझे। ये सारी जानकारी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओवरव्यू की। तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसके अंदर आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों, ओवरव्यू के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो जो जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है उसे आप एक बार ध्यान में रख लें, ताकि आपको आसानी रहेगी अगर मैं कोई भी वर्ड वीडियो के अंदर बोलूंगा कि जैसे ऑफिस बटन पर जाना है, या क्विक एक्सेस टूल बार पे आपको जाना है, या टाइटल बार पे देखना है आपको, या स्टेटस बार देखनी है, या इस ग्रुप में देखो या रिबन में देखो, तो आपको आसानी रहेगी समझने में कि हमको कहाँ पर जाना है, या सर जो बता रहे हैं वो कहाँ से काम कर रहे हैं, नहीं तो आप को पता नहीं चल पाएगा कि रिबन का है और स्टेटस बार का है, टाइटल बार का है, क्लोज बटन का है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, ये है ऑफिस बटन, ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इसे कह रहे हैं ऑफिस बटन। और जो ये है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी 2 या 3 फंक्शन दिए होते हैं, जैसे अनडू रीडू ऐसे कुछ फंक्शन दिए होते हैं, इन्हें हम एडिट कर सकते हैं। जो ये साइड के अंदर दिख रहा है इससे हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको अभी जरूरत नहीं है एलडीसी के अंदर। आप सिर्फ ये जान लेंगे ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अलावा आप ऑफिस बटन के अंदर जो न्यू का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, ये सब आता है, इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एलडीसी एफिशिएंसी टेस्ट में, लेकिन फिर भी ध्यान के लिए आपको जरूरी बताना, इसलिए मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये टाइटल बार है जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ आता है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिख रहा है इसके अंदर, और सॉफ्टवेयर का भी नाम लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, तो ये है हमारे टाइटल बार। इसके बाद में लास्ट में हमारे ये 3 है कंट्रोल बटन। और इसके अलावा ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब है, इन्हें हम कहते हैं टैब। कई बार मैं बच्चों को बता देता हूँ कि आप इस टैब में जाइए, इस टैब में जाइए, लेकिन उन्हें टैब का मीनिंग नहीं पता होता, इस वजह से वो जा नहीं पाते। दोस्तों, आप इस चीज को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या चीज कहाँ पर है। तो ये है टैब हमारी, जो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारी इन्हें हम टैब कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, इन्हें हम ग्रुप कह सकते हैं आप, या रिबन कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी पड़े वो कह दीजिए। ग्रुप कहने पर बेटर लगेगा, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है। मैं आपको ग्रुप वाइज क्लास लूंगा, जैसे मैंने आज क्लास लूंगा तो मैं आज सिर्फ फॉन्ट ग्रुप की लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी पैराग्राफ ग्रुप की होगी, इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप की अलग अलग क्लास लेंगे। तो दोस्तों, आगे की बात मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा है, ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। स्क्रॉल जो होता है वो पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने में काम आता है। इसके अलावा ये नीचे जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये हमारी स्टेटस बार है, इसके अंदर नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड और लैंग्वेज यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई रहती है,
कितने पेज है, कितने वर्ड है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम जूम वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। ये जूम वगैरह आपके कोई एलडीसी एफिशिएंसी में काम नहीं आने का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे एमएस वर्ड 2007 पर, जहां पर मैं आपको आज शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली और ओनली फॉन्ट की। फॉन्ट ग्रुप को आज मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा, सारी जानकारी इसके एक एक ऑप्शन में आपको समझाऊंगा, ताकि कोई सा भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए फॉन्ट ग्रुप से, आप आसानी से उसे कर पाओ और आप समझ पाओ कि ये फॉन्ट ग्रुप कहां पर काम आता और किस तरीके से काम आता। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम चलते हैं एमएस वर्ड 2007 में। दोस्तों ये है आपके सामने एमएस वर्ड 2007, जहां आपको दिख रहा है कि ये कम्प्लीटली वीडियो है हमारा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। हमारे जो 7 से 8 दिन की क्लास है, उसके अंदर आपके लिए एलडीसी एफिशिएंसी में जितना भी आएगा वो सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे आप क्वेश्चन करते रहो, 10 क्लास में कर ली क्वेश्चन होगी, 20 क्लास में कर ली क्वेश्चन होगी, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है इस बात की कि आपके सारे क्वेश्चन इसके अंदर हो गए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपको 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चन फिर आसानी से कर पाओ। इसलिए मैंने ये क्लास दी है, और उसके बाद ये क्लास 6 से 7 दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 6 से 7 दिन का मैटर है ओनली एलडीसी का, उसके बाद हम टेस्ट चालू कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसलिए, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए, और हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप तुरंत देख लें। आपके ऊपर अगर ज्यादा क्लास इकट्ठी हो गई तो आप पर बर्डन नहीं पड़ेगा, बर्डन पड़ जाएगा, जिस वजह से आप एक साथ देख नहीं पाओगे। इस वजह से आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि मैं आज जो पढ़ाऊंगा वो ओनली और ओनली ये फॉन्ट, जिसका मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये इतना एरिया मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज हम ओनली इतना एरिया पढ़ेंगे, बाकी का एरिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे पैराग्राफ वाला ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओनली इतना एरिया हम आज पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एक भी क्वेश्चन अब आपका छूटना नहीं चाहिए क्लास देखने के बाद में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ये फॉन्ट स्टाइल। तो दोस्तों फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, हालांकि इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी वर्ड है उसकी जो लिखने की स्टाइल, आप लैंग्वेज फॉन्ट स्टाइल को आप लैंग्वेज नहीं कह सकते दोस्तों, लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश, फॉन्ट स्टाइल लैंग्वेज नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही है यहाँ से, लैंग्वेज हाँ फॉन्ट का टाइप चेंज करने से लैंग्वेज कई बार चेंज हो जाती है, जैसे मैं यहाँ से हिंदी करूंगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मोस्टली फॉन्ट के अंदर स्टाइल, लिखने की जो स्टाइल है वो आपको चेंज की जाती है, इसलिए आप ध्यान रखें। ये यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, और ये नॉर्मली आप सब जानते भी है। उसके बाद हम आगे आते हैं फॉन्ट साइज पर। तो फॉन्ट साइज की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जिस वर्ड को मुझे सिलेक्ट करना, सबसे पहले आप सिलेक्ट करने का तरीका देख लें। सिलेक्ट अगर आपको ओनली एक वर्ड करना है तो आप डबल क्लिक करें, या फिर पूरा पैराग्राफ करना है तो आप उस पर एक क्लिक और करें, मतलब ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका क्लिक वाला, डबल क्लिक वर्ड सिलेक्ट, और अगर ट्रिपल क्लिक करोगे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका हुआ है जैसे यहाँ पर मैंने माउस रखा और इसको मैंने लेफ्ट बटन दबा के आगे ड्रॉ किया, तो ये इतना वर्ड सिलेक्ट हो गया, जितना मुझे सिलेक्ट करना है उतना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया माउस को लेफ्ट बटन दबा के, तो ये यहाँ तक का सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या तरीका है, आप यहाँ पर रहे और उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, तो आप इधर का सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाओगे तो आप इधर का सिलेक्ट हो जाएगा, ये आप इसे कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे बेटर तरीका यही रहेगा, माउस का क्लिक यहाँ पर करें और इधर लेफ्ट की तरफ आप ड्रॉ करें या राइट की तरफ ड्रॉ करें, जिधर आपको सिलेक्ट करना उधर ड्रॉ कर लें तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट, और सिलेक्ट करना नॉर्मली आप सभी को आता भी है। दोस्तों अब मैं बता रहा था फॉन्ट साइज के बारे में बात, तो जैसे मुझे नाउ की ये जो नाउ लिखा है KNOW नाउ, इसकी जो साइज है वो मुझे करनी है 24, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके ये 24 कर दिया है मैंने, इसकी साइज चेंज हो गई। अब दोस्तों में अगर बात आती है 23 साइज करने की, तो बहुत बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पे ये कमेंट आ रहे हैं इसको 23 कैसे करें साइज को। दोस्तों देखो यहाँ 22 है या 24 है, लेकिन 23 है ही नहीं। अगर यह आपको कह दी जाए कि आपको इसकी साइज 32 करनी, तो यानी वो 28 है 36 है, लेकिन बाकी तो है ही नहीं, कोई बीच के जो अंक है वो गायब है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, और इस 24 को हटाओगे, और जैसे 32 करनी है तो 32 आप यहाँ पर लिखोगे,
पर एंटर लगाओगे तो ये 32 हो जाएगी इसकी साइज, आप देख पा रहे होंगे 32 हो गई है। इसके अलावा आपको साइज बढ़ानी है सेम उसी ग्रुप में, जैसे यहाँ नंबर लिखे आते हैं उन्हीं नंबर के अंदर बढ़ेगी। तो यहाँ से आप जो ये दिख रहा है एक छोटा ए लिखा हुआ है एक बड़ा ए लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि जो छोटा है और बड़ा है ये वाला, ये दोनों जो ऑप्शन है आपके ये भी साइज को छोटा और बड़ा करने में काम आते हैं, लेकिन इनमें वही है सेम उसी साइज के अंदर दो दो के अंकों में ये साइज बढ़ेगी और घटेगी। जैसे मैंने इसको बड़ा किया 18 से 20 हो गई, 20 से 22 हो गई, 22 से 24 हो गई, 24 से 26 हो गई, 28 हो गई, फिर 36 हो गई, मतलब जो ऑप्शन इसके अंदर है उसी के अंदर होगी ठीक है, और यहाँ से कम होती चली जाएगी। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा आप इसे डिलीट करके यहाँ से नंबरों को हटा के और कीबोर्ड से टाइप करके आप करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, वो आपके इसके अंदर काम नहीं आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का चिन्ह अगर आप यहाँ से दबाओगे किसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इसको अगर आप दबाओगे तो साइज बढ़ जाएगी, और लेस देन को अगर बढ़ाओगे तो आपकी साइज कम हो जाएगी। लेकिन ये आपके वहां पे एलडीसी में काम नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल और शिफ्ट का यूज जो है वो बंद किया गया है, कंट्रोल और अल्ट की का एलडीसी के अंदर, इस वजह से आपके काम का नहीं है। अगला ऑप्शन चलते हैं दोस्तों, ये बीआईयू, बीआईयू का फुल फॉर्म होता है बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। दोस्तों सबसे पहले बात बोल्ड की करते हैं, अगर हमें किसी वर्ड को बोल्ड करना है जैसे हमें एंड को बोल्ड करना है तो आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर बोल्ड कर दें। कई बार होता है आप फर्स्ट आप सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए, सेकंड पैराग्राफ के टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों। लाइन सेंटेंस और पैराग्राफ इन सब में आपको डिफरेंट पता होना बहुत जरूरी है एलडीसी के अंदर। लाइन का मतलब होता है ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन यहाँ पर खत्म हो गई। फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस जहाँ फुल स्टॉप आएगा वहां सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारा, और ये यहाँ पर हमारा सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट होता है फर्स्ट सेंटेंस। पर पैराग्राफ की अगर बात आए तो पैराग्राफ का मतलब दूसरा, ये यहाँ पर पैराग्राफ खत्म होता है, ये पूरा हमारा एक पैराग्राफ है यहीं से लेकर के और 1928 तक हमारा एक पैराग्राफ होता है, तो ये हमारा कंप्लीट पैराग्राफ है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे इसके अंदर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लाइन के अंदर या फिर सेंटेंस में और पैराग्राफ में क्या डिफरेंट है, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड करना से मैं बोल्ड कर दिया मैंने ठीक है, अगर इटैलिक का बोलता तो ये इटैलिक कर दिया, देखो ये बोल्ड है ये इटैलिक है इसके बाद ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन का अगर बोलता है तो आप अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर उसने सामान्य तरीके से आपको बोल दिया कि अंडरलाइन करना है तो आपने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया जैसे मुझे ही वाज बोर्न इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दिया। अगर उसने बोल दिया आप इसे डॉट डॉट वाली अंडरलाइन कीजिए, डॉट डॉट अंडरलाइन कीजिए, तो आप यहाँ से देखिए ये डॉट डॉट अंडरलाइन है ठीक है, डॉटेड अंडरलाइन ठीक है। इसके अलावा ये डॉट डैश अंडरलाइन है ठीक है, तो डैश डैश वाली अंडरलाइन है ये, और ये डॉट 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 डैश अंडरलाइन है ठीक है, और ये डॉट डॉट डैश अंडरलाइन है। इसके अलावा ये वेव अंडरलाइन है, आपको इनके नाम याद होना जरूरी है क्योंकि तो कोई सा भी नाम देख सकता है। जैसे यहाँ पर तो अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो इसके नाम मुझे बता रहा है ये डैश अंडरलाइन है ठीक है, लेकिन वहां पर आपको ऐसा नाम नहीं बताया जाएगा दोस्तों, इसलिए आप इनके नाम याद कर लें। सामान्य सी बात है, अगर आप इसे देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर ओनली डैश डैश देर की है, तो डैश अंडरलाइन है, इसमें एक डॉट है और एक डैश है तो ये डॉट डैश अंडरलाइन है, और इसके अंदर दो डॉट और एक डैश है तो डॉट डॉट डैश अंडरलाइन हो गई, और ये वेव अंडरलाइन हो गई, और ये कौन सी अंडरलाइन है अपनी थिक जो अंडरलाइन होती है वो है, और ये डबल अंडरलाइन है। दोस्तों आपको जैसा कहा जाए वैसा आपको वहां पर करना है। इसके अलावा अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये आपको अंडरलाइन का कलर है ये यहाँ से आपको चेंज किया जा सकता है ठीक है। इसके अलावा मोर अंडरलाइन का ऑप्शन आपको मैं भी आगे बताऊंगा, जो आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जो नई विंडो खुलती है इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है, अभी आप यहाँ तक ध्यान दीजिए। आगे हम बात करते हैं इसकी, जो ये ए बी सी लिखी है बीच में से लाइन कटी हुई है, इसे कहते हैं स्ट्रिक थ्रू। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रिक थ्रू, मतलब स्ट्रिक थ्रू का मतलब किसी वर्ड को हमें बीच में से काटना है, कट लाइन लगानी है, तो ये स्ट्रिक थ्रू आपको देखते हैं पता चल जाएगा। ओनली आप इसको इसका नाम याद रहना जरूरी है। स्ट्रिक थ्रू क्या होता है? स्ट्रिक थ्रू, थ्रू का मतलब मैं से, थ्रू का हिंदी अर्थ होता है मैं से, इसका मतलब बीच में से लाइन निकलेगी, तो बीच में से लाइन आपको तुरंत यहाँ आइकन देखते हैं पता लग जाएगा ये स्ट्रिक थ्रू यही है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। आप देख पा रहे होंगे ये टीनेजर जो है ये स्ट्रिक थ्रू हो चुका है। इसके अलावा दो ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है,
एक सब स्क्रिप्ट है, दूसरा सुपर स्क्रिप्ट है। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी ऊपर करना है इसका मतलब सुपर, ऊपर का मतलब सुपर, और बाकी जो रहेगा वो सब स्क्रिप्ट नीचे का। जैसे अगर आप कई बार लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, अगर आप लिखते हैं फर्स्ट, आप लिखते हैं फर्स्ट, तो आपने लिखा आई एस टी, ऐसे एस टी को थोड़ा सा नीचे लिखना है, इस एस टी को थोड़ा सा आपको नीचे लिखना है, तो आप इसे सब स्क्रिप्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको लिखना है इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे CO2 लिखते हैं, CO2, इस 2 को आपको थोड़ा सा नीचे लिखना है, तो आप इस 2 को यहां से नीचे लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। या फिर अब आप अगर वापस आगे आए और आप लिखना चाहें कि 5, 6 और 6 की पावर आप 7 लिखना चाहें, तो आप 7 को सिलेक्ट कीजिए और ये ऊपर लिखी पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है, तो इसलिए आप सुपर स्क्रिप्ट ऊपर के लिए हमेशा सुपर स्क्रिप्ट लगा जाए, तो ये 6 की पावर 7 लिखा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शन को आप याद रखना है, एक सब स्क्रिप्ट है, दूसरा सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर यानी ऊपर होता है, तो ऊपर अगर कुछ लिखे जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट लगा दो, वहां पर क्वेश्चन में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि आप सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कीजिए या सब स्क्रिप्ट अप्लाई कीजिए। अब किस पे करना है, लाइन पे करना है, वर्ड पे करना है, पैराग्राफ पे करना है, ये आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अगर आप ये ध्यान नहीं रख पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे केस। दोस्तों केस की अगर मैं बात करता हूं तो ये कुछ केस है 5 प्रकार के, और इनको देखते ही तुरंत पता लग जा रहा है कि केस के अंदर किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस यानी एक वाक्य। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर, उस पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होते हैं, तो ये सेंटेंस केस है हमारा। इसके अलावा लोअर केस। लोअर केस में सारे के सारे अक्षर छोटे होंगे, अपर केस में सारे के सारे अक्षर बड़े होंगे, सारे अक्षर का मतलब कैरेक्टर, ठीक है, हर एक कैरेक्टर बड़ा होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में होगा, बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड के अंदर क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा। जैसे अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड यहाँ पर करता हूँ, मोस्ट से लेकर के या इंडियन तक कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखो एम, मोस्ट का एम बड़ा, इसका आई बड़ा, इसका आर बड़ा, इसका ओ बड़ा, टी बड़ा और आई बड़ा, ही ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा हो जाता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं ट्रोंगल केस। ट्रोंगल केस जस्ट कैपिटलाइज का उल्टा है, इसके अंदर पहला अक्षर जो पहला लेटर है वो छोटा हो जाएगा, बाकी सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हो गए, आई छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हो गए, यहाँ आर छोटा, बाकी सब बड़े हो गए, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर का चेंजमेंट होता है। और कई बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्त सारे केस क्या है, केस कहाँ पर मिलेगा, तो आपके सामने केस सामने पड़ा है, ये जस्ट सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के पास के अंदर ही केस आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों आगे हम बात करते हैं हाईलाइट की। अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी भी वर्ड को या किसी लाइन को हाईलाइट करना है, दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं पूरा वर्ड और मतलब एक शब्द और वाक्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली पैराग्राफ से आज हमारा कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों। पैराग्राफ का टेप हमेशा ये आगे वाला रहेगा, आप इसके अंदर जो भी रीडिंग करेंगे वो ओनली जो वर्ड है वर्ड और लाइन से संबंधित रहेगा, ठीक है, पैराग्राफ की सारी रीडिंग आगे की तरफ आएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट का। जैसे मुझे कहा गया कि आपको ही को हाईलाइट करना है, ठीक है, ही को हाईलाइट करना है, तो आप ही को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए, किस कलर में हाईलाइट करना है, अगर वहां बताया गया स्पेशली कि आप ग्रीन में कीजिए तो ग्रीन में कर दीजिए, अगर किसी कलर का नाम नहीं बताया तो आप नॉर्मली येलो के अंदर कर दीजिए, ये हाईलाइट होकर आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा फॉन्ट कलर की अगर बात की जाए, फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है, अगर आपको फॉन्ट कलर वहां बताया गया है कि आपको ब्लैक करना है, व्हाइट करना है या ग्रीन करना, जैसा भी आपको करना, अगर स्पेशली कोई कलर दिया जाए तो आप उसे कर दीजिए। अगर आपको स्पेशली कोई कलर नहीं बताया गया है और आपको ये कई बार ऐसा भी कहा जाए कि सामान्य फॉन्ट कलर से अलग कीजिए या ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई अन्य फॉन्ट कलर में बदलिए, तो आपको कोई सा भी फॉन्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और वो क्लिक कर देना, ताकि वो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जितने भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई है, जैसे हमने इसका फॉन्ट कलर चेंज किया है, इसका हाईलाइट किया है, ठीक है, इनको क्लियर करना है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करो, मतलब जितने भी साइज हो गया, जो भी हमने बड़ी की है साइज हो गया,
फॉन्ट साइज है, ये सब जो नॉर्मली हो जाएगा, जैसा नॉर्मली फॉन्ट एकदम एवरेज जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो इसके अंदर हो जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन एलडीसी में नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग का कोई क्वेश्चन आपके एलडीसी में नहीं आएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग की, सामान्य सा नॉर्मल सा हो गया है, यहाँ फॉन्ट साइज नॉर्मल हो गई 11 और फॉन्ट नॉर्मल हो गया, बाकी सब कुछ नॉर्मल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। आगे सबसे बड़ी बात है ये बॉक्स, यहाँ पर आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये जो एरिया है इसके अंदर एक छोटा सा आपको एरो दिख रहा होगा, इस एरो पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसे हम कहते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और ये मैंने अभी आपको पहले अंडरलाइन वाला सेक्शन में भी बताया था, ये उस समय खुला था, मैंने आपको कहा था मैं आगे को इसको आपको बता दूंगा। तो यहाँ दोस्तों जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल, ये आपको मैंने पहले बता दिया टॉप के अंदर, ये यहाँ पर पड़ा। इसके अलावा ये रेगुलर बोर्ड डिटेलिंग, ये मैंने सब आपको बता दिया है। फॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके आगे फॉन्ट कलर मैंने आपको बता दिया, अंडरलाइन की स्टाइल, यहाँ पर आप अंडरलाइन स्टाइल देख लें, जो भी जितने भी तरह के अंडरलाइन है वो यहाँ पर आप देख लें और उनको याद कर लें। ये डैश डैश वाली है, ये डॉट डॉट वाली है, सारी आप स्टाइल नाम, स्टाइल का नाम याद जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कहा जाए कि आपको ओनली वर्ड, एवरी वर्ड, ईच वर्ड को अंडरलाइन करना है, इस लाइन के अंदर जो ईच वर्ड है प्रत्येक वर्ड को ओनली अंडरलाइन करना है, पूरे लाइन को नहीं, ईच वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो आप यहाँ से नहीं करेंगे डायरेक्ट, आपको यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर लाइन को, ये वर्ड ओनली लिखा है इसे आप सिलेक्ट कर दीजिए, और ये कलर यहाँ से आप चर्चा ले सकते हैं, नॉर्मली रहेगा तो ब्लैक कलर में आएगी, वर्ड ओनली पर क्लिक कर दिया मैं। दोस्तों ध्यान रहे, फिर से मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ड ओनली अंडरलाइन स्टाइल में, वर्ड ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे हम इसे ओके करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस लाइन के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड बिकम वन ऑफ इट्स चीफ, पूरा एक 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 वर्ड अलग अलग अंडरलाइन हुआ है, ये है ओनली वर्ड अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं हो आप जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को धीरे से मतलब सही ढंग से पढ़े नहीं और उसके बाद आप क्वेश्चन का गलत कर बैठे, ठीक है। आगे हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट, और आपको फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या मिल रहा है। स्ट्रिक थ्रू मैंने आपको बता दिया, ये एक नया ऑप्शन डबल स्ट्रिक थ्रू, अगर आपको कहा जाए कि किसी भी वर्ड को जस्ट लाइक ये भारत सभा, इसे डबल स्ट्रिक थ्रू करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके मत आ जाना, अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको डबल स्ट्रिक थ्रू करना है तो आप फोन डायलॉग बॉक्स में जाइए, डबल स्ट्रिक थ्रू पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, यहाँ आप देख रहे होंगे बीच में से दो लाइनें निकल रही है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डबल लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी इसके अंदर, ठीक है। आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट के अंदर, और क्या है इसके अंदर, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा शेडो, अगर शेडो की बात की जाए, ये ऑप्शन आपके एलडीसी में नहीं आएंगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ, शेडो होती है जो छाया दिखाएगी, साइड के अंदर थोड़ी सी छाया दिखेगी आपको, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये बॉडी का जो दिख रहा है आपको, बॉडी दिखा हुआ है, इस पे आप देखिए ध्यान कीजिए, आपको मैं फिर से एक बार हाईलाइट करके देता हूँ कौन सा बॉडी आपको देखना है, इस बॉडी को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट लगा हुआ दिखाई देगा। देखो मैं शेडो अप्लाई करता हूँ, ये देखो दिखी शेडो, हल्की सी आपको नजदीकी में शेडो साइड के अंदर छाया सी प्रतीत होगी। इसके अलावा आउटलाइन मतलब बाहर की तरफ जो अक्सर लिखे हैं उनके चारों ओर आउटलाइन बनी हुई दिखाई देगी, मतलब बॉर्डर बन जाएगी, ये देखो, ठीक है, ये बॉर्डर बनी हुई ऐसी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा एम्बोस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा टेक्स्ट उभरा हुआ दिखाई देगा, किसी भी टेक्स्ट को हम एम्बोस इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो उभरा हुआ इफेक्ट दिखाई देगा, और ये है एंगल इफेक्ट, मतलब नीचे की तरफ उभरा हुआ और ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट बहुत जरूरी है, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना, और ये भी याद रखना कि इफेक्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलेंगे आपको एम्बोस और एंग्रेव, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इनसे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एम्बोस और एंग्रेव इफेक्ट, दोस्तों इसे याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर लिख लेना एम्बोस एंड एंग्रेव इफेक्ट, आपने पास एमएस वर्ड 2007 आपके कंप्यूटर में होगा उसके अंदर डाल करके और एक बार चेक जरूर कर लेना इन्हें कि किस तरीके से ये दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, ये जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा स्मॉल कैप्स, जो भी जितने भी वर्ड है वो सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, बट
जो हम बाकी के जो लेटर होंगे वो थोड़े से छोटे, जिस मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मैं स्मॉल कैप्स अगर अप्लाई करता हूँ तो देखिए स्मॉल कैप्स मैंने अप्लाई किया, ओके किया, देखो सारे जितने भी लेटर थे कैपिटल लेटर में हो गए, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है इनका देखो, इसका एल, इसका एल, यहाँ आर, ये सब थोड़े से बड़े साइज में बड़े हो गए, ठीक है, ये होता है स्मॉल कैप्स। इसके अलावा बात करते हैं अपर कैप्स, ऑल कैप्स की, ये ऑल कैप्स है यहाँ पर, मतलब सबके सब बराबर साइज के अंदर, मतलब जिनकी हाइट मतलब बढ़ जाएगी, इसके अंदर ओनली हाइट बढ़ रही है। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी की हाइट कम हो रही है, ऑल कैप्स के अंदर सभी की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। और हिडन के अंदर हमें जो टेक्स्ट का डाटा है, जैसे ये लाइन थी उसे हम हाइड करना चाहते हैं, तो हाइड कर दिया और ओके कर दिया, वो लाइन जो थी वो लाला लाजपत राय वाली वो हाइड हो गई है, ठीक है। इसे वापस लेकर के आना है तो आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया सिलेक्ट कीजिए और इसे वापस यहाँ पर क्लिक कीजिए और हिडन पर वापस करके ओके कर दीजिए, तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन एडिशन में नहीं आएगा हिडन वाला, आपको जो याद रखना है वो जरूरी है, ओनली एम्बोस, एंग्रे इफेक्ट और स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, देखो ये कैप्स अलग है और वो कैप्स अलग है जो मैंने आपको यहाँ पर मेन्यू में बताया। यहाँ पर जो कैप्स है वो सुपर, सॉरी अपर कैप्स है, लोअर कैप्स है, ट्रायंगल कैप्स है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ये सारे हैं, और ये स्मॉल कैप्स और ये ऑल कैप्स, ये ओनली हाइट पे डिपेंड करते हैं, इनका संबंध कैप्स लॉक से है, इनका संबंध कैप्स लॉक से है और इनका भी है, लेकिन इनमें हाइट नहीं बढ़ती। जो यहाँ पर सामने की तरफ आपको दिख रहे हैं उनमें हाइट नहीं बढ़ेगी किसी भी लेटर की, लेकिन इनमें ओनली हाइट बढ़ेगी और सब कैपिटल लेटर में हो जाएंगी, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं और क्या इंपोर्टेंट आपके लिए, देखो इंपोर्टेंट जो है वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इन्हें आप याद कर लेना, एक डबल स्ट्रिक थ्रू इसके अंदर, बाकी सब आपको बाहर मिल जाएंगे। वन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको कब आना, जब आपको डबल स्ट्रिक थ्रू मिले या फिर आपको शेडो इफेक्ट का कुछ कहा जाए, स्मॉल कैप्स या ऑल कैप्स कहा जाए, दोनों वर्ड को आप याद रखें, और एम्बोस और एंग्रे इफेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तब आपको आना है, या फिर ओनली ईच वर्ड पे, प्रत्येक वर्ड पर अगर आपको इंप्लाइन करनी है तो आपको यहाँ पर आना है, बाकी आपको इस फॉन्ट के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं आना है, कोई काम ही नहीं मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक जो लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया कैरेक्टर स्पेसिंग का, इसमें क्या होगा, मैंने पहले बताया था आपको कि आज हम ओनली लाइन पे वर्ड्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ पे बात नहीं कर रहे, तो इसमें क्या होगा कैरेक्टर स्पेसिंग, जैसे मैं सक्सेसफुल है, यहाँ सक्सेसफुल जो लिखा हुआ है इस पर मैं बात कर रहा हूँ, देखो जैसे 200% किया मैंने इसको, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा, जो हर लेटर के बीच की जो जगह है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे इसे साइज कम करनी है, मतलब स्पेस कम कह रहे हैं ऐसा करना है, तो 66% कर दीजिए आप इसको, जिससे कि आपको यहाँ पर कम जगह में ये सेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आपको नॉर्मली आगे बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। आगे हम बात करेंगे स्पेसिंग के बारे में, स्पेसिंग में एक होती है एक्सपेंडेड और एक होती है कंडेंसेंस, जो कंडेंसेंस का मतलब कम, जो हम किसी भी गैस को या किसी भी चीज को हम कंप्रेस जो करते हैं ना, मतलब दबाना, ठीक है, उससे मतलब इसका, और एक्सपेंडेड मतलब बढ़ाने से फैलाने से, ठीक है। नॉर्मली फिर तो ये सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा आप सक्सेसफुल पे नजर रखिए, इससे क्या होगा कि ये कंटिन्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा, दूर दूर चले जाए, जितने भी लेटर है वो सारे सारे दूर दूर जा रहे हैं जा रहे हैं। इसके अलावा कंप्रेस पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये सारे के सारे नजदीक आ गए। अब आप इसे नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, देखो मैं इसे कम करता हूं, ये देखिए जितना कर रहे हैं आप उतना ही मतलब नजदीक आता जा रहा है, ठीक है, मैं कंप्रेस हो गया है पूरी तरीके से, और अगर मैं आगे वापस बढ़ाऊंगा तो ये वापस नॉर्मली सेट हो जाएगा, ये देखिए वन पे अगर आप करेंगे तो नॉर्मली जैसा होता है, जीरो पे नॉर्मली आपका हो जाएगा, नॉर्मल जैसा फॉन्ट रहता है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन की मैं बात करूँ, राइज और लोअर, राइज का मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, देखिए आप सक्सेसफुल को देखिए, ठीक है, सक्सेसफुल पे आप नजर रखिए, मैं राइज पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं राइज पे क्लिक किया ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया और लोअर का मतलब थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। अब कितना नीचे लेके जाना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, दोस्तों इसका मीनिंग आपके सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जैसा है, लेकिन ये कम्प्लीटली वर्ड के लिए यूज हो रहा है, और आप इसे वहां से तुलना नहीं करें, अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बोला जाए तो आप वहां पर ही जाकर क्लिक करें। अगर आपको पोजीशन की बात की जाए,
सक्सेसफुल वर्ड को लोअर पोजीशन पे सेट कीजिए तो आप यहाँ पर आइएगा, वरना आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि किसी भी वर्ड को दिया गया या फिर बोल दिया जाएगा कि जैसे लाइक वर्ड को आप अपर पोजीशन के अंदर शेयर या राइज पोजीशन के अंदर शेयर कीजिए, तो ये राइज पे क्लिक करेंगे या थ्री पॉइंट राइज पे करना है, थ्री पॉइंट कर देना यहाँ से, ये थ्री पॉइंट राइज पे कर दिया मैंने इसको क्लिक, ठीक है, यहाँ से थ्री पॉइंट सिलेक्ट कर देना और इसे ओके कर देना। दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो, आपको यहाँ पर जो याद करने की चीजें वो सारी ये सारी की सारी आपको याद करनी है दोस्तों, और ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट आपको कहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे वो भी मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओनली पैराग्राफ ग्रुप, ये जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है ये मैं आपको कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक जरूर कर देना, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपके लिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मोस्टली होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन होता है वो छूट जाते हैं, टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले मैं आपको वन बाई वन कम्प्लीट कराऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एलडीसी में है कितना सा, एलडीसी में ओनली होम टैब आपको कम्प्लीट करना है, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल और इसके अलावा सिंबल और इक्वेशन और डेट एंड टाइम, ठीक है, और ड्रॉप कैप, इसके अलावा पेज नंबर फुटर हेडर ये आपको कंप्लीट करना है, और पेज लेआउट के अंदर ओनली मार्जिन ओरिएंटेशन ये जो सेक्शन है वो करना है आपको, और इसके अलावा पेज बॉर्डर आपको करना है, और ये इंडेंट और स्पेसिंग ये करना है, और अलाइनमेंट करना कुछ हिस्सा, बाकी इनमें से कुछ आने वाला ही नहीं है। तो आपको इतना सा हिस्सा ओनली करना है, 5 से 7 दिन में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम आपको टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपना जो कितने मार्किंग आ रही है आपके वो आपको पता लग जाएगी। और इसके अलावा जो भी विभिन्न टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कुछ सोनी पे कर रहे हैं, कुछ जीआर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप करते रहिए, कंटिन्यू रखिए उनको और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अगर इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसके अंदर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप हमें नीचे जो दिया गया पता है यहाँ पर भी आप हमें मिल सकते हैं या लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या है इस वीडियो के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप हमें वेबसाइट पे लिख सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें आके मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, और हमारा फेसबुक जो एग्जाम पास प्रोट ऑनलाइन पेज है वहां पर भी आप हमें जाकर के बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।